अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काइंडली मेरे चैनल नॉलेज अरीना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम दिशान है और नॉलेज अरीना में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को और सारे मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आपने इस ईद में अच्छे तरीके से इंजॉय किया होगा, बहुत फ़न किया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे इन हैंड है रेडमी नोट 5। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 5 ये वही फ़ोन है जिसका पाकिस्तानी मार्केट में बहुत शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि 4 महीने पहले इस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च किया गया था और इंडिया में इस फ़ोन को रेडमी नोट 5 प्रो के नाम से लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान में भी ये इसी नाम से एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेडमी नोट 5, क्योंकि दोस्तों दुबई में फ़ोन को लॉन्च किया गया है रेडमी नोट 5 के नाम से और दुबई में भी फ़ोन को आए हुए तकरीबन कोई 20-25 दिन हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे ये फ़ोन दिखने में किस तरीके का है, इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बैक पर आपको इसके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5.99 फुल स्क्रीन डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेटियो। यहाँ पर आपको 12 PF कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, फ्रंट कैमरा यहाँ पर 13 MP का है, सेल्फी लाइट है और यहाँ पर Xiaomi वालों ने जो इंडिया में वेरिएंट लॉन्च किया है वहाँ पर 20 MP दिया है, यहाँ पर 13 MP दिया है। 4000 mAh की बैटरी है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, 14 mm ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यहाँ जिसको आपने देखा बॉक्स इसका दिखने में कुछ इस तरीके का है और ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो चलें हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका बस लुक देखते हैं और मैं आपको साथ साथ दूंगा इसका छोटा सा एक रिव्यू। तो चलें शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास है ये मिस्टर कटर और यहाँ से मैं इसकी रैपिंग हटाता हूँ और इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो इसको जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ बाहर। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक प्रोटेक्टिव केस जो कि एक सिलिकॉन टाइप का है और दिखने में कुछ इस तरीके का है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम साइड में करते हैं। और दोस्तों, ये रहा रेडमी का नोट 5 और पाकिस्तान में, इंडिया में रेडमी नोट 5 प्रो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फ़ोन फर्स्ट लुक में कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आपको बस क्लियर दिखा सकूं तो यहाँ पर आपको MI की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, IMI है और यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और फ्रंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AI पावर डुअल कैमरा, विविड बैक लाइट एंड लो लाइट फोटो, 13 MP फ्रंट कैमरा, AI पावर ब्यूटी सेल्फी लाइट और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636, 14 mm ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों, फ़ोन को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये एक मैनुअल जो कि कुछ इस तरीके की है, इसको हम साइड में करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एक अदद चार्जर और इसकी मैं आपको रेटिंग दिखा सकूँ तो जी हाँ दोस्तों, ये 5V 2A का चार्जर है और जो नॉर्मल चार्जर होते हैं उससे थोड़ा सा तेज़ चार्ज करेगा ये डिवाइस को। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमें केबल देखने को मिलती है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये 200 USB माइक्रो USB केबल है जो कि दिखने में एक नॉर्मल सी केबल है और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। और बॉक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये सिम इजेक्टर टूल और दोस्तों, इसमें हैंड फ्री वगैरह आता नहीं है। तो हम इसको साइड में करते हैं और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका फ्रंट स्पीकर यहाँ से उतार देता हूँ। रेडमी नोट 5 प्रो और दोस्तों, मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। दोस्तों, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है मैं आपको इसका
लुक दिखाता हूँ दोस्तों। अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पावर बटन, यहाँ पर आपने को देखने को मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर फोन देखने को मिलता है, यहाँ पर चार्जिंग जैक देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माइक्रोफोन, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3.5 mm जैक। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, और मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी से इसका टूल निकाल लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक सिम लगा सकते हैं और यहाँ पर आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या दो सिमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और इसका एक सेटअप आया है, यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। मैं जल्दी जल्दी इसका सेटअप कर लेता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और मैं जल्दी जल्दी आपको इसकी की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो 5.9 इंच IPS LCD हमें मिलता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है। और दोस्तों बात की जाए अगर इसकी फ्रंट प्रोटेक्शन की, तो इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता है और इसमें हुआवे का अपना MIUI 9 देखने को मिलता है। और मैं आपको इंटरनल्स में जाके दिखाऊँ कि इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आया है वो है 8.1.0। जी हाँ दोस्तों, जब इसको फरवरी में लॉन्च किया गया था तो उस वक्त इसमें जो सॉफ्टवेयर आया था वो 7.1.0 था। इसे नोकट पे लॉन्च किया गया था और बाद में कंपनी ने, जो अब कंपनी इसको शिप कर रही है, वो ओरियो के साथ शिप कर रही है। तो दोस्तों इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और इसमें जो हमें GPU देखने को मिलता है वो एड्रिनो का 509। दोस्तों इसमें दो वेरिएंट्स आए हैं, एक 4GB 64GB, एक 3GB 32GB। ये वेरिएंट 3GB 32GB का है, इसमें आपको 56GB तक का एक कार्ड लगा सकते हैं या दो सिम लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपने को देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप और यहाँ पर डुअल LED फ्लैश। दोस्तों इसका एक कैमरा 12 MP का है जिसका अपर्चर है f/2.2, और दूसरा कैमरा इसका दोस्तों 5 MP का है जिसका अपर्चर है 2.0। दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 13 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर। और दोस्तों इसके अंदर अगर सेंसर्स की बात की जाए तो हमें इसमें देखने को मिलता है जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, और दोस्तों इसके अंदर कंपास दिया गया है। और यहाँ पर बैक को देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों इसमें फेस अनलॉक है या नहीं ये मैं आपको इसके रिव्यू में बताऊँगा। और दोस्तों बात की जाए इसकी बैटरी की, तो इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि एक पावरफुल बैटरी और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसके कुछ कैमरा सैंपल्स लेकर आता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका बैक कैमरा कैसा है और इसका फ्रंट कैमरा कैसा है। या फ्रेंड्स, आपने इसे कैमरा सैंपल देखे हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपको बैक कैमरे पे पोर्ट्रेट मोड तो देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरे पे भी आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। और इसका जो फ्रंट सेल्फी रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है, इसके बैक कैमरे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसकी सारी डिटेल मैं एक मुकम्मल रिव्यू में लेकर आऊँगा आपके लिए, और आपको ये बताता चलूँ कि इसका मुझे 4GB वेरिएंट भी रिसीव हुआ है, उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और इन दोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी लेकर आऊँगा कि देखते हैं इन दोनों वेरिएंट के स्पीड में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ लेकर आऊँगा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दिस इज़ विकान गोइंग टू बी ऑफ, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।